नमस्कार, द BITN से मैं रंजन कुमार। एक मैसेज बड़े ही तेज़ी से वायरल हो रही है, आज उसी की बात करेंगे। ये मैसेज है व्हाट्सएप ग्रुप में जो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। मैसेज में क्या लिखा है, चलिए पहले आपको पढ़ के बताते हैं। आज से व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल का नया नियम लागू है। एक नंबर में है, सभी कॉल रिकॉर्डिंग होगा। दूसरे नंबर में है, रिकॉर्डिंग के साथ संरक्षित भी होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी सामाजिक संचार प्रणाली का निगरानी होगा। आपका डिवाइस यानी फ़ोन वगैरह जुड़ जाएगा सरकारी संचार व्यवस्था से। आगे इस व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, सावधान हो जाएं, किसी को गलत संदेश न भेजें। आगे लिखा है, अपने बच्चों से कह दें, रिश्तेदारों, दोस्तों एवं उन सभी से जिनका आप शुभचिंतक हैं, वे कम से कम सामाजिक संचार व्यवस्था का उपयोग करें। आगे लिखा है, किसी भी तरह सरकार के खिलाफ राजनीतिक वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रधानमंत्री की राजनीतिक अभिव्यक्तियों पर संदेश का आदान प्रदान न करें। फिर आगे है, इसमें उपर्युक्त सभी तरह के संदेश का आदान प्रदान अपराध माना जाएगा और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है बिना किसी सूचना के। आगे है, मैसेज में पुलिस प्रशासन का नोटिस करेगा संचार अपराध के तहत, जो कि संगीन मामला होता है। सभी ग्रुप मेंबर्स एवं संचालक इस मामला को गंभीरता से लें। और आगे लिखा हुआ है, सावधान रहें और सभी को सावधान कर दें कि गलत संदेश का आदान प्रदान न करें। जागरूक हो जाएं और ग्रुप में कर दें महत्वपूर्ण जानकारी नए व्हाट्सएप नियमों के बारे में। अब इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखा हुआ, यह भी आप सुन लीजिए। आगे लिखा हुआ, अगर सिंगल टिक हो जाता है तो समझें संदेश चला गया। डबल टिक का मतलब संदेश पहुंच गया, ये तो सही है, लेकिन इससे आगे जो है वो आप सुनिए। दो नीला टिक, संदेश पढ़ लिया गया। तीन नीला टिक, सरकार संदेश को रख लिया। यहाँ से ये मैसेज जो है वो भ्रम फैला रही है। अगला है, दो नीला और एक लाल टिक अगर लग जाता है तो समझिए कि सरकार की कार्रवाई आपके विरुद्ध शुरू हो गई है। एक नीला और दो लाल टिक, सरकार आपकी सूचना ले रही है। तीन लाल और सरकार आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको जल्द ही न्यायालय में सूचित किया जाएगा। होइए एक उत्तरदायी नागरिक और साझा कीजिए अपने दोस्तों को ये मैसेज। ये मैसेज काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है पिछले एक महीने से ये लगभग बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूँ, सरकार का जो सोशल मीडिया को लेकर के है नया IT रूल्स, लेकिन ये जो व्हाट्सअप मैसेज वायरल हो रहा है कि आपका मैसेज सरकार पढ़ रही है, नीला टिक होगा तो सरकार पढ़ रही है, काला होगा तो कार्रवाई किया जाएगा, ये बिल्कुल फेक है। सरकार ने खुद इस मैसेज को फर्जी बताया है। हाँ, सरकार ने बहुत तरह के नए IT रूल्स लाए हैं, गाइडलाइन हैं, वो आप पढ़ सकते हैं नेट पे भी, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो उसकी जानकारी भी आपको हम बता देंगे। लेकिन ये जो व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आप कोई भी मैसेज भेजेंगे तो सरकार पढ़ेगी, सरकार के विरुद्ध लिखेंगे तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। हालांकि एक नया अपडेट आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप और सरकार में ठनी हुई है। ये बात सही है कि सरकार और व्हाट्सएप फेसबुक के बीच झगड़ा चल रहा है और ये मामला कोर्ट में है। और झगड़ा इस बात का है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप का जो कंटेंट है वो जब आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के वो लॉक होता है। यानी आप मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं और जिसको भेज रहे हैं वो पढ़ सकता है, तीसरा कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता उसको। तो इस प्राइवेसी को, इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को सरकार तोड़ना चाहती है। जी हाँ, हमारी सरकार जो भारत सरकार है, भारत सरकार का सूचना मंत्रालय, उनका कहना है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को आप ख़त्म कीजिए और हमें इसकी अथॉरिटी दीजिए एक्सेस करने का, यानी कि हम कोई भी पब्लिक का मैसेज पढ़ सकें, उसका डेटा सेव कर सकें, ऐसा कुछ नियम लाने का प्लान बना रही है सरकार। लेकिन इसको लेकर के जो है व्हाट्सएप राजी नहीं है और यही मामला को लेकर के वो कोर्ट भी पहुँच गया है कि ये प्राइवेसी के खिलाफ होगा। अगर हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटा देंगे तो हमारे जो यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप यूज़र, उनके मैसेज को, उनकी प्राइवेसी को, उनकी सीक्रेसी को, उनकी जो निजता है उसका उल्लंघन होगा। वो कोई भी मैसेज करेंगे, कोई भी व्हाट्सएप करेंगे तो वो कोई भी एक्सेस कर लेगा, किसी तरह से वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र हो सकता है अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दिया जाएगा तो। ये निजता पर हमला होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और खुल के आई है कि अभी आपको पता ही है कि सरकार जो है बहुत तरह का सरकार के खिलाफ लोग बोलते हैं,
अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं, जो सरकार को पसंद नहीं आता है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, तो सरकार ऐसे लोगों को और अधिक ट्रेस करने के लिए जो सरकार के विरुद्ध हैं इस तरह के नियम लाना चाहती है, और इस पर नया आईटी रूल्स बना हुआ भी। हालांकि यहाँ एक बात समझने वाली होगी कि अभी भी रूल्स है, नहीं है सो बात नहीं है, अभी भी आप किसी सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट आप फॉरवर्ड करते हैं और किसी को वो पसंद नहीं आता है, वो आपत्तिजनक है, तो आप उसे लेकर के कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी अगर वो गलत होगा तो। ऐसा नहीं है, कोर्ट है उसके लिए, कानून है बना हुआ, लेकिन सरकार ये कानून के ऊपर कानून ला रही है, यानी कोर्ट से पहले टांग फंसा रही है ताकि हम अपनी जो मौजूदगी है कोर्ट से पहले दर्ज करा सकें, ये सरकार चाहती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि सरकार जहाँ तक निजता की जानकारी सोशल मीडिया से मांग रही है वो उसका उपयोग करे अपने देश की रक्षा सुरक्षा में, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर उसका कोई दुरुपयोग करना चाहे तो फिर ये जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार कोई भी मैसेज को ट्रेस करने का, एक्सेस करने का सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप, फेसबुक से ये अथॉरिटी मांग रही है, तो सरकार उसमें डायरेक्ट तो नहीं रहेगी, सरकार के नुमाइंदे ही रहेंगे या फिर आईटी सेल रहेगा, जो भारत सरकार का विभाग होगा एक आईटी सेल का, वो रहेगा, वो उसको ट्रेस करेगा। उसमें कौन सा इंसान है जो किसी के मैसेज थर्ड पार्टी को लीक कर दे, तो उसमें तो उसके निजता पर हमला हो जाएगा ना। आजकल हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत तरह की प्राइवेसी बातें भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, और ये थर्ड पार्टी को अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमारी निजता कहाँ सेफ रही, तो ये सोचने वाली बात है, इसका मिसयूज हो सकता है। शायद इसीलिए अपने यूज़र्स के प्राइवेसी को सेफ रखने के लिए व्हाट्सएप ने दो दो हाथ सरकार के साथ कर लिए हैं और कोर्ट तक चली गई है। लेकिन आपको एक नई खबर बता देता हूँ कि सरकार ने इसके ऊपर कानून बना दिया है, नया आईटी रूल्स बना दिया है, और अब सरकार फेसबुक, व्हाट्सएप को ये धमकी भी दे रही है कि यदि आप लोगों ने ये कानून नहीं पालन किया सरकार का, तो फिर आप लोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आप लोग को जेल भी भेजा जाएगा। इस तरह की बातें निकल के आ रही है, उसके ऊपर जब ज़्यादा लगाम सरकार लगाएगी मजबूरन उन्हें सरकार की बातें माननी होगी, और आप ये मान कर चलिए आने वाला समय हो सकता है आपके लिए ऐसा हो कि आपकी प्राइवेसी सरकार के हाथों में चली जाए, तो उस तरह का अपडेट होगा तो आप लोग को ज़रूर बताया जाएगा।